हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य के माध्यम से। जैसा कि मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूं, इसलिए स्टूडेंट्स की बातों को, उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत गहराई से जानता भी हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आपके वो प्रॉब्लम्स आपके साथ न रहें। एक पुराना श्लोक है जो आपके लिए मैं सुनाना चाहता हूं, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के ये पांच लक्षण बताए गए हैं, उसकी चेष्टाएं कौवे की तरह होनी चाहिए, उसका ध्यान बगले की तरह होना चाहिए, उसकी निद्रा कुत्ते की तरह होनी चाहिए, उसे कम भोजन करना चाहिए और उसको गृह त्याग यानी घर छोड़ने की आदत भी होनी चाहिए। ये पांच लक्षण विद्यार्थी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं, ये तो पुरानी अवधारणा है, मैं ये कहता हूं कि आपका सोना, आपका उठना, आपका जागना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका पढ़ना, आपका किसी से बातचीत करना, ये सब कुछ अगर आप मेरे हिसाब से करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफलता के उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिनकी कल्पना आपने कभी की भी नहीं होगी। मैं हर वीडियो में एक नई चीज, एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूंगा, एक नई बात आपके सामने रखूंगा, अगर आपने उससे अपने जीवन में उतार लिया, अमल में ले आए आप, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में एक सफल आदमी बन सकेंगे। तो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं कि आपकी नींद किस प्रकार होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थी की नींद कुत्ते की तरह होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। वास्तव में आप पढ़ करके थक करके जिस समय सो जाते हैं आपको होश भी नहीं रहता। दरअसल आपको एक आदत हो गई है अपने बारे में कुछ भी न सोचने की, और यही आदत आपको धीरे 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 अवनति के, यानी आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो सफलता की ओर नहीं जाता। मैं आपसे कहता हूं कि जिस समय आप पढ़कर के अपने बिस्तर पर जाते हैं, लेटने के लिए जाते हैं, तो आप उस समय सोने से ठीक 5 मिनट पहले, जब आपको लग रहा हो कि हां अब आपको नींद आने वाली है, तो दिन भर के जो कुछ भी आपने किया है उनमें से नेगेटिव चीजों को छोड़ दीजिए, उन विचारों को अपने दिमाग में आप मत लाइए, उनके बारे में मत सोचिए। आप केवल सोते समय आंख बंद करके अपने शरीर को बिल्कुल निढाल छोड़ करके धीरे धीरे सांस लीजिए और अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए अपने मन में ये विचार कीजिए कि मैंने अमुक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, मैंने IIT का कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया है, मैंने मेडिकल का कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया है, मैंने कोई भी अमुक कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया है। आपको ये नहीं कहना है कि हे भगवान ऐसा कर दीजिए, नहीं, आपको मांगने की भाषा रखनी ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप किसी से मांगते रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये ध्यान कीजिए कि आप अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए, यस मैंने ये कर लिया है सोते समय, और ऐसा बार बार विचार करके आप सो जाइए। जिस समय आप सो जाएंगे ये विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाएगा। याद रखिए कि बार बार का रिपीटेशन जिस समय आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो वो घटनाएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगती हैं, पैदा होने लगती हैं, जिन्हें आप चाहते हैं। अगर आपने नेगेटिव घटनाएं अपने जीवन में दी तो निश्चित रूप से वही नेगेटिविटी आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपको लगेगा मैं तो असफल हो गया, मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी मैं वो गोल नहीं प्राप्त कर सका जो मुझे करना चाहिए था। इसलिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाइए,
मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोस में कि पॉजिटिव अफर्मेशंस किस तरीके से बनाते हैं। अभी आप केवल इस चीज पर कंसंट्रेट करें कि सोते समय इस अफर्मेशन को लेकर सोएं। जब आप उठेंगे तो पहला विचार आपका यही होगा कि आपने अमुक कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया है। अब आप ये महसूस करेंगे कि यस, मुझ में एनर्जी है। और अगर आप नेगेटिव विचार लेकर सोएंगे तो वही विचार सुबह भी पहला आपका होगा और फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाने वाला है। इसलिए याद रखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव।